हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक होम्योपैथिक सिरप के बारे में, जो कि है काल मेघ सिरप। और ये SBL कंपनी इसको बनाती है, होम्योपैथिक सिरप है। और पेशेंट के कमेंट से ही मैं मेडिसिन बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी है और कैसे दी जाएगी, किस किस कंडीशन में, क्या प्रॉपर डोज है इसकी और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने सबसे पहले SBL कंपनी का काल मेघ सिरप, जो कि डाइजेस्टिव टॉनिक है। इसको कहाँ कहाँ पे लेंगे? पहली बात तो ये कि मल्टीपर्पज़ सिरप है। यहाँ पे लीवर बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि लीवर पे ही काम करेगा, ये कई जगह पे काम करता है। कहाँ कहाँ पे काम करता है और क्या क्या इसके अंदर मेडिसिन है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो होम्योपैथिक की SBL कंपनी इसको बना रही है और ये प्रेजेंटेशन 115 ml में है। इसका बड़ा सिरप भी आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर पहले जान लेते हैं मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी उन्होंने मेडिसिन दी हैं। तो इसके अंदर एंडोग्राफिस, जिसको कालमेघ बोला जाता है, कार्डस मैरिनियस, जो कि बहुत पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, लीवर की नंबर एक मेडिसिन है होम्योपैथिक की, कैरिका पपाया, जो कि पपीता है, ये भी लीवर के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड वन इस चेलिडोनिया मेजस, ये बहुत फेमस मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, जिनको लीवर की कोई भी परेशानी है इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिनियोन्थस वर्जियाना, ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और माइरिका, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। सारी जो मेडिसिन है, इन्होंने ज़्यादा मेडिसिन नहीं दिए कि 10-15 मेडिसिन, ठीक है। इसको आप लेंगे तो ये 90 रुपये का आपको मिल जाएगा। किस किस परेशानी में आप इस्तेमाल करेंगे और इसकी क्या डोज होगी, तो इंडिकेशंस में इन्होंने यहाँ पे लिखा है इनडाइशन, फ्लेचुलेंसी, कॉन्स्टिपेशन, कवर्ड वाइड रेंज ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। इनका मतलब ये है कि जब पेशेंट को इनडाइशन होता है, खास करके अगर आपके पेट में भारीपन होता है, खाली पेट भी भारीपन रहता है, या खाना खाने के बाद भारीपन आपका और बढ़ जाता है, गैस पास होने से, स्टूल पास होने से आपको आराम मिल जाता है, तो ये सिर्फ वहाँ पर काम करेगा। फ्लेचुलेंसी, आपको बहुत ज़्यादा गैस पास होती है, उसकी वजह से भी आपको पेट में दर्द रहता है। कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में कार्डस मैरिनियस एंड चेलिडोनियम भी इन्होंने दी हुई है। तो कार्डस मैरिनियस खास करके जहाँ पे स्टूल हार्ड होती है वहाँ पर यूज़ की जाती है। इसके साथ दोस्तों एक वाइड एरिया इन्होंने साफ साफ लिखा है कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जितनी भी होती हैं, अगर आपको खट्टी डकारें हैं, गैस ज़्यादा बननी है, सीने में जलन है, पेट में भारीपन है, तो आप इसको वहाँ पर ले सकते हैं। डोजेस की हम बात करेंगे तो अडल्ट को इसको 5 ml लेना है और जो बच्चे हैं उनको 2.5 ml लेना है। तो आप इसका, इन्होंने 5 ml लिखा, लेकिन आप इसकी 10 10 ml सुबह शाम आप लीजिए। 10 ml सुबह में लीजिए, 10 ml आप शाम में लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं और हल्के से गुनगुने पानी में आप डाल के इसको ले लीजिए, ठीक है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है। कम प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है रह रही है, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर फूड खाया तभी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आपको उस समय इस तरीके से डोज लेनी है कि आपने 10 ml दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद ले लिया। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल पानी में लीजिए, 10 ml ओनली 2 times, खाना खाने के 20 मिनट बाद आप इसको ले लीजिए, दिन में केवल 2 बार आधे कप ताज़े पानी में, ठीक है। बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, SBL कंपनी की है, ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत अच्छा ही काम करती है। आसपास के जो भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आसपास अगर आपके होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, सर्च करेंगे तो आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शुरुआत दोस्तों आप छोटे सिरप से कीजिए, अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, फिर आप इसका बड़ा सिरप ला के यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू आप 1 से 2 महीने लीजिए। आपके लीवर के अंदर अगर कोई समस्या है, जॉइंटिस है, थोड़ा बहुत पीलिया रह रहा है, थोड़ा बहुत SGPT बढ़ा हुआ है, तो ये सबको ठीक करके चलेंगी। इसके साथ आप और कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 15 मिनट का गैप आप मेडिसिन में जरूर रखें। तो दोस्तों इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप गलत डोज लेंगे, ज़्यादा डोज लेंगे, तो इससे लूज मोशन वगैरह आपको हो सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों को आप इजीली दे सकते हैं, 2.5 से 3 ml आप बच्चों को दीजिए, दिन में 3 से 4 बार भी आप बच्चों को दे सकते हैं, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है और उसको भूख भी कम लगती है, क्योंकि काल में बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा ही काम करता है। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।